गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ आवर सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 थ्योरी पार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ फर्स्ट यूनिट, दैट इज कटिंग टूल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एंड देयर यूजेज। देन वी विल डिस्कस द ज्योमेट्री एंड वेरियस एंगल्स इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ए कटिंग टूल and what are different types of cutting tools. So what is a cutting tool? A cutting tool may be used either for cutting apart as a knife or for removing chips. Jada cutting tool hai usda apan use kivein kar sakde hain, kise piece nu, kise object nu puri tarah naal cut karan layi use kar sakde hain. For example, apan knife naal kisi cheez nu cut karde hain ya fir hacksaw naal kisi cheez nu cut karde hain. Ise tarah chips रिमूव करने लिए भी कटिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना लेथ का जिहड़ा टूल हुंदा है वह चिप्स नू रिमूव करता है, पूरे पार्ट नू नहीं कट करता बट चिप्स नू रिमूव करता है, उस दे नाल आपां नू डिजायर्ड शेप है जिहड़ी वह मिलती है। इसे तरह जिहड़ा ग्राइंडिंग व्हील है वह भी पूरी तरह कटिंग नहीं करता बट वह एब्रेसिव एक्शन नाल जिहड़ा ऑब्जेक्ट है उसके पार्ट्स रिमूव करता है। ये सारे जिहड़े टूल्स ने ये अपने कटिंग टूल्स ने। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कटिंग एजिज वी कैन डिवाइड कटिंग टूल्स इनटू सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स वो ने जिन्हां दे विच अपने कोल एक सिंगल पॉइंट है जिहड़ा कटिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने कोल कोई नीडल है, सपोज जिहड़ी नीडल है, सूई है, उस दे विच एक सिंगल पॉइंट कटिंग एज है या कटिंग पॉइंट है, उस दे नाल आपां सारी कटिंग परफॉर्म करते हैं। दूजा टाइप अपना मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। फॉर एग्जाम्पल, अपने कोल एक नाइफ है, एक चाकू है, जिहड़ा चाकू है उस दे विच एक पूरी लाइन हुंदी है, वह पूरा कटिंग टूल का कम करती है, वह किसी भी ऑब्जेक्ट नू दो पार्ट डिवाइड करने का कम करती है। सो दिस इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। Then we are having further classifications of cutting tools, of single point and multi point cutting tools. Single point the example ditte jande ne, for example turning tools, boring tools, parting tools, shaping tools, planing tools. Turning tools kede ne, jive apne lathe te jehda tool use hunda hai us de vich apa turning operation perform kar rahe ha, jehda tool use ho raha hai ohnu apa keh rahe ha turning tool. Ise tarah apna boring tool ho gaya, shaping tool ho gaya जिहड़ा शेपर ते यूज़ हुंदा है, प्लानिंग टूल हो गया जिहड़ा प्लेनर ते यूज़ हुंदा है। ये सारे अपने एग्जाम्पल सी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स दे। इस तो बाद हुंदा अपना मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। फॉर एग्जाम्पल, मिलिंग कटर हो गया, ड्रिलिंग हो गई, ब्रोचिंग टूल हो गया, ग्राइंडिंग व्हील हो गया। जिवें ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील आपां पहलां भी डिस्कस कीता है, इस दे विच एब्रेसिव ग्रेन यूज़ कीती जांदियां ने। A large number of cutting edges are available, so that is why it is called multi-point cutting tools. इसे तरह नाल अपना जो ड्रिलिंग टूल है, ड्रिलिंग टूल दे विच की है, जिहड़ी अपनी ड्रिल है उस दे विच फ्लूट कटे हुंदे ने, ते वो एक पूरी लाइन हुंदी है, एक स्पायरल लाइन हुंदी है जिस दे उते जिहड़ा अपना कटिंग टूल दा कम करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कोल्ड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सो दिस इज़ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जिमें कि तुसी देख सकते हो। इस दे विच की है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अपने दिखाए गए ने। फर्स्ट ऑफ ऑल शेंक, इट इज़ द बॉडी ऑफ द टूल और दैट पार्ट ऑन विच कटिंग एज इज़ फॉर्म्ड। इफ द टूल इज़ ऑफ इंसर्शन टाइप, द शेंक इज़ दैट पार्ट इन विच कटर इज़ इंसर्टिड। जिहड़ी बॉडी अपनी, सिंपल लैंगुएज च गल करिए, जिहड़ी बॉडी अपनी टूल दी उहनूं आपां कह रहे हां शेंक। उस तो बाद सैकेंड पार्ट आता है अपना नोज़, जिहड़ा कटिंग पॉइंट है, सपोज ये अपना कटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट नूं आपां जिस पॉइंट नाल अपनी कटिंग हो रही है उस पॉइंट नूं आपां कह रहे हां नोज़। दैन वी आर हैविंग फेस, दिस इज़ फेस ऑफ कटिंग टूल। बेस, इट इज़ द सपोर्ट ऑफ टूल शेंक, जिहड़ा टूल शेंक नूं सपोर्ट करेगा उस पार्ट नूं आपां कह रहे हां बेस। फ्लैंक, फ्लैंक अपना जिहड़ा एंड सरफेस है टूल दा उहनूं आपां कह रहे हां फ्लैंक। सो दिस इज़ द डिटेल डायग्राम ऑफ ए
single point cutting tool in which we are showing various tool angles. इस दे विच आपां रेक एंगल्स देख सकते हैं, दो रेक एंगल्स ने, बैक रेक एंगल एंड साइड रेक एंगल. दैन वी आर हैविंग एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल. इस डायग्राम च आपां डिटेल च देख सकते हैं अपने दोवें रेक एंगल, दोवें रिलीफ एंगल ते दोवें अपने कटिंग एज एंगल. सो फर्स्ट वी आर हैविंग रेक एंगल्स, साइड रेक एंगल एंड बैक रेक एंगल. फर्स्ट वन इज साइड रेक एंगल. इट इज़ द एंगल बाय विच द फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड साइड वेज, वेयर एज द बैक रेक एंगल इज द एंगल बाय विच फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स बैक. जेड़ा साइड रेक एंगल है दैट कैन ईदर बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. रेक एंगल डिटरमाइंस द टूल थिकनेस बिहाइंड द कटिंग एज एंड दीज एंगल्स आल्सो हेल्प इन टर्निंग द चिप्स अवे फ्रॉम द वर्क पीस. इस डायग्राम से तुसी क्लीयरली देख सकते हो दोवें रेक एंगल. फर्स्ट वन इज बैक रेक एंगल, दिस वन इज बैक रेक एंगल एंड दैन वी आर हैविंग साइड रेक एंगल. जिहड़ा ए व्यू है इस दे विच आपां नूं बैक रेक एंगल दिखाई देगा ते इस व्यू च आपां नूं साइड रेक एंगल दिखाई देगा. जिहड़ा बैक रेक एंगल है वह अपना पॉजिटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव किस कंडीशन च होएगा, जब अपना एंगल इस तरह नाल बनेगा, इस तरह नाल अपना टूल है तो अपना जिहड़ा एंगल है ये एंगल अपना आ जाऊगा बैक रेक एंगल जिहड़ा कि अपना पॉजिटिव है. इसी तरह यह नैगेटिव भी हो सकता है जो अपना टूल इस तरह नाल होएगा. जे इस तरह नाल अपना टूल है तो अपना जिहड़ा एंगल है बैक रेक एंगल है वह पॉजिटिव होएगा. जिवें आपां डिस्कस किया इसका कम की है रेक एंगल का, इसका कम है जिहड़ी चिप्स अपनियां फॉर्म हो रही ने, जिहड़े स्मॉल स्मॉल मैटल पीसिस बन रहे ने मशीनिंग तो बाद, उन्हां नूं वर्कपीस तो दूर उन्हां दा फ्लो कराना है. वो किस दे नाल आपां सोल्व करते हैं, वो परपज किस दे नाल सोल्व हुंदा है, वो अपना सोल्व हुंदा है रेक एंगल नाल. रेक एंगल जिहड़ा कटिंग एज है उसदी थिकनेस भी दसदा है कि उसके पिछे किन्ना मटीरियल अपना हैगा है. दूजे वर्ड से जो कहा जाए जिहड़ा रेक एंगल है उस दे नाल आपां नूं टूल की शार्पनैस का पता चलता है भी टूल अपना किन्ना शार्प है. इस दे करके जदों आपां रेक एंगल नूं इनक्रीज़ करते हैं उस दे नाल अपनी सरफेस फिनिश भी इनक्रीज़ हुंदी है ते जिहड़ी फोर्स आपां नूं चाहीदी है कटिंग करन लई ओह भी डिक्रीज़ हुंदी है. बट इस एंगल नूं आपां बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि जिहड़ी टूल की स्ट्रेंथ है वह अपनी पूरी तरह नाल रेक एंगल ते डिपेंड करती है. जे आपां रेक एंगल नूं बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ कर दिए तो अपना टूल तो शार्प हो जूगा, फोर्सिज भी घट लगनगियां, बट टूल बहुत ज़्यादा वीक हो जूगा, उस दे नाल उसके फेलियर दे पॉसिबिलिटी भी वध जांदी है. तो सैकेंड थिंग टूल चैटर बहुत ज़्यादा हुंदा है. टूल चैटर मीनिंग जदों आपां मशीनिंग करते हैं तो टूल की जिहड़ी वाइब्रेशन हुंदी है एक तरह की उहनूं आपां टूल चैटर कहिंदे आ. तो जो टूल चैटर है वह बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाएगा जे आपां रेक एंगल नूं एक लिमिट तो ज़्यादा इनक्रीज़ करते हैं. दैन वी आर हैविंग रिलीफ एंगल्स और क्लीयरेंस एंगल. दो एंगल आप इतने देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ एंड क्लीयरेंस एंगल एंड सैकेंड वन इज़ साइड क्लीयरेंस एंगल. जिमें ना तो ही क्लीयर हों जोड़ा क्लीयरेंस एंगल है इसका मीनिंग है कि इनू प्रोवाइड करने का परपज़ ये है कि जोड़ा अपना टूल है तो वर्कपीस है उसके विचाले कोई कॉन्टैक्ट ना हो ताकि जिहड़ी सरफेस फिनिश है वह टूल की वजह नाल खराब ना हो. जिहड़ा मशीन्ड पार्ट है अते टूल है जिहड़ा वह आपस में कॉन्टैक्ट ना आन. उस तो बाद आते हैं अपने कटिंग एज एंगल. अपने को दो कटिंग एज एंगल है, फर्स्ट है एंड कटिंग एज एंगल एंड सैकेंड वन इज साइड कटिंग एज एंगल. इन्हों का परपज़ फर्स्ट वन इज दैट जिहड़े कटिंग एज एंगल है वह चिप के फ्लो नूं रेगुलेट करते हैं. किस डायरेक्शन अपना चिप का फ्लो होगा वह अपना कटिंग एज एंगल तो रेगुलेट हुंदा है. जिवें आपां रेक एंगल दे केस च देखिया सी जे आपां इन एंगल्स नूं ज़्यादा इनक्रीज़ करांगे कटिंग एज एंगल नूं तां इस दे करके चैटर इनक्रीज़ हो जूगा. एंड द लास्ट वन इज नोज़ रेडियस. ए पॉइंट है जिहड़ा अपना, इस पॉइंट नाल अपनी पूरी कटिंग परफॉर्म हुंदी है.
इस पॉइंट की जी रेडियस है इनू आप पॉइंट नहीं कह सकते, एक करव की फॉर्म च होंदा है, तो इस करव की जी रेडियस है उन्होंने आप कह रहे हैं नोज़ रेडियस। नोज़ रेडियस का कम है कि नोज़ रेडियस जिनी घट होगी उन्ना अपना टूल शार्प होगा। नोज़ रेडियस इज प्रोवाइडेड टू रिमूव द फ्रेजाइल कॉर्नर ऑफ द टूल, इट इनक्रीजिज द टूल लाइफ एंड इंप्रूव सरफेस फिनिश। मीनिंग जिमें आप डिस्कस किया जोड़ा नोज़ रेडियस है वह किस दे नाल लिंक्ड है टूल की शार्पनैस नाल, बट नोज़ रेडियस में बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं कर सकते क्योंकि उस दे नाल अपना टूल है जोड़ा वो फ्रेजाइल हो जूगा, ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जूगी, तो करके इसकी एक ऑप्टिमम वैल्यू रखी जाती है। इस दे नाल अपनी टूल लाइफ भी इनक्रीज होंगी है तो जी सरफेस फिनिश है वह भी वधिया होंगी है। नाउ नैक्सट वन इज टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर का मीनिंग है टूल सिग्नेचर नाल की पता चलता है, जेडे अपना सैवन टर्म्स डिस्कस कीतियां, दो अपने रेक एंगल हो गए, दो क्लीयरेंस एंगल हो गए, दो कटिंग एज एंगल हो गए, तो एक नोज़ रेडियस होगी। ये अपने सैवन एलीमेंट्स ने एक टूल टूल दे टूल नू स्पेसीफाई करने लई। जे इन्हों आप कंबाइन करके लिखते हैं उन्होंने आप कहते हैं टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर शुरू किवें हुंदा है, फर्स्ट वन इज़ बैक रेक एंगल, दैन वी आर हैविंग साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एंगल, कटिंग एज एंगल, एंड लास्ट वन इज़ नोज़ रेडियस। जे अपन टूल सिग्नेचर दिता हुंदा है, फॉर एग्जाम्पल ये अपन टूल सिग्नेचर दिता गया है 8855661, जेडे 88 ने ये रिप्रजेंट करते हैं फस्ट 8 इज़ बैक रेक एंगल, दैन वी आर हैविंग साइड रेक एंगल, 5 एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, 6 एंड कटिंग एज एंगल, एंड साइड कटिंग एज एंगल, लास्ट वाला जो 1 है वो रिप्रजेंट कर रहा है नोज़ रेडियस नूं।